आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन उससे पहले ही सहयोगी कांग्रेस ने महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर ऐसा कदम उठाया है जिसका असर सीधे तौर पर गठबंधन पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, या फिर संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाकर शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी पर दबाव बनाने का ये प्रयास है। क्या गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं चाहती? क्या चुनाव तक विपक्षियों में एकता रह पाएगी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जल्द ही गठबंधन में दरार पड़ेगी। दरअसल महाराष्ट्र से पहले पंजाब और पश्चिम बंगाल में इंडिया के घटक दल सीट शेयरिंग को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही हैं। कांग्रेस नेता ने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी अलायंस ही नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ममता बनर्जी के कौन से ऑफर से अधीर रंजन भड़क गए और उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी को खुश करने के लिए ममता बनर्जी काम कर रही हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने बंगाल में किसी दल के साथ चुनावी समझौता करने से इनकार कर दिया था। बाद में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई। सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की, जिसे पार्टी ने ठुकरा दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने क्या किया जिससे बात गठबंधन पर आ गई। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगाए हैं। दूसरी ओर सहयोगी दलों की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी VBA सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल स्टेज में है। बीते बुधवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और सीनियर नेता बाला साहब थोराट नई दिल्ली गए हुए थे। यहां पर इन दोनों की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से हुई। पटोले ने बाद में राज्य में पार्टी के जिला अध्यक्षों को संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जांच के लिए MPCC भेजने के लिए भी कहा। नाना पटोले ने बीते बुधवार को विश्वास जताया था कि लोकसभा चुनाव में MVA गठबंधन की विजय होगी। उन्होंने कहा कि MVA राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 40 से 41 पर जीत दर्ज करेगा। पटोले ने कहा कि MVA का सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है और इसे लेकर तीनों घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फैसले की घोषणा कर दी जाएगी। हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है। असली विवाद महायुति भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार खेमे की राकपा का सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहा है। वे 45 से 48 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में MVA के अधिकतम सांसद होंगे। हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकतम सीटें MVA को मिलेंगी। MVA आगामी लोकसभा चुनाव में 40 से 41 सीटें जीतेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।